हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सरिता जेठू दरक। सो सबसे पहले आप सबका खूब सारा वेलकम है हमारे यहाँ, और आप सबको खूब सारा थैंक यू है, धन्यवाद है दिल से कि आप लोगों ने इतनी 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 ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना साथ दिया। बहुत 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 आभार आप लोगों का। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, सब जगह भर भर के ब्लेसिंग दे दी, भर भर के। सो उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया है कि ये जो व्लॉग है वो स्पेशली यही है कि आज मैं आपको बता दूंगी कि मेरा बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, है ना। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स कि दीदी आप हमको हमारी आपको अगर हम आपकी फैमिली है तो आप हमको बताते क्यों नहीं हो। बिल्कुल आप हमारी फैमिली हो और हमको बताना ही है, ज़रूर बताएंगे। जब सारी अगर यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें बताई है तो ये क्यों नहीं बताऊँगी मैं, है ना। बताना तो बनता है और बताऊँगी भी, बट कुछ चीज़ें ना राइट टाइम का वेट किया जाता है कि सही समय आए तभी सही चीज़ें। हर बात का, हर चीज़ का उचित समय होता है, तो बस उसी चीज़ का हम वेट कर रहे थे। और मेरा ये था ना कि मैं जिस दिन मेरे घर आ जाऊँ, घर आके फिर ही मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि हाँ मेरा ये हुआ है या ये हुआ है। और उसके पहले मैं आपको बताऊं कि 9 मंथ्स की जर्नी आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें शेयर की, सारे उतार चढ़ाव शेयर किए, और लास्ट जो 1 मंथ जो मेरा था आप लोगों के सामने है। मतलब रात के 4-4 बजे भी मैं डॉक्टर के गई हूँ, बेबी मूवमेंट रुक गई थी, कभी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी, और एट द एंड मेरा प्रेशर इतना ज़्यादा हाई चला गया। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए थे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में, बट एट द एंड सुखद रहे परिणाम। बस जो जो चाहिए था ऊपर वाले से वो मिल गया, तो इसीलिए स्वस्थ जच्चा बच्चा चाहिए थे, दोनों स्वस्थ मिल गए। मतलब जितने उतार चढ़ाव प्रेगनेंसी की पीरियड के दौरान चले थे, शुरू से लेकर एंड तक। शुरू में तो नहीं चले थे, हमें पता ही नहीं चला था। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत में 2 महीने मुझे पता ही नहीं चला था, है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये मेरे शिव जी का आशीर्वाद है। मैंने 2 महीने सावन के फास्ट रखे थे, वो 2 महीने में स्टार्टिंग में ही मैंने कंसीव कर लिया था, बट मुझे पता नहीं चला था। फिर मेरा बर्थडे आया, ये वो, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरे पीरियड्स आगे डिले हुए तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और जिस दिन मुझे पता चला उस दिन 8 वीक्स रनिंग था मेरा, है ना, 2 महीने से ज़्यादा हो चुकी थी। 8 वीक्स कंप्लीट होके ऊपर 2-3 डेज चल रहे थे, तो और उसी दिन मुझे पता चला जिस दिन मेरे पूरे 2 महीने कंप्लीट हुए शिव जी के, और उसके बाद जो फर्स्ट डे आया था, मतलब 31st को कंप्लीट हुआ और 1 तारीख को मुझे पता चला, ऐसा था, ठीक है। और बताऊं कि इसका जो जन्म का वार है वो भी सोमवार है, है ना। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ के जुड़ ताल से हुई है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होने वाला था ना वो ट्यूसडे को होने वाला था। इसका बॉन्ड है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से अपने दिमाग में आया था ना कि अपन ये करेंगे, भाई श्रावण मास में अपन ये पार्टी करेंगे कि जहाँ मंदिर देवर अभी जाएंगे और जाएंगे, हाँ, उस दौरान मैंने पार्टी की थी, शिव जी का मंदिर और वहाँ भी जाने का था हमें, वो जो उज्जैन जाने का था हमको, बहुत मन था उज्जैन का। जो दिल में बातें चल रही थी भोले बाबा की, भोले बाबा का प्रसाद आ चुका था, हमें ही लेट पता चला था। एक्चुअली पता चलता था हम शायद वो पार्टी करते भी नहीं, या हम इतना ऊपर नीचे नहीं करते। मतलब आप मानो कि उस दौरान जो मेरी बर्थडे के सेलिब्रेशंस थे, उस दौरान आप लोगों के सामने है, मेरा पूरा पूरा दिन मैं फास्टिंग रहती थी, कुछ नहीं खाती थी, पागलों के जैसे घूमती थी, और मतलब पागलों के जैसे मुझे वॉमिटिंग होती थी, और ढोल पे नाची है, कितना सबके स्वागत में, सबके आपके सामने है, सारे ब्लॉग्स आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर चुकी हूं, तो सिर्फ ऊपर वाले की मेहरबानी ही थी, ये मुझे देना था पावर पर्सन, ये पावर है, तो बस यही है, कमिंग फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, तो ये भगवान का आशीर्वाद है। और मैं यही मानती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले को, आपको पता है, और मैं हमेशा ये चीज़ मेरे ब्लॉग में बताती हूँ कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो आपको कभी हारने नहीं देगा, और मुझे कभी हारने दिया ही नहीं, मुझे हर मुश्किल से उन्होंने निकाला है। अगर मेरी प्रेगनेंसी की बात करूँ ना, उस दिन मतलब मैंने वॉइस ओवर में तो क्या किया, वो उस दौरान बहुत कम टाइम मैंने फ़ोन यूज़ किया था, जो आपने पीछे ब्लॉग्स देखे, सिर्फ वॉइस ओवर के दौरान ही मुझे फ़ोन टच करने को मिला था। तो मैं आपको बताऊं कि
हम जिस दिन हॉस्पिटल गए थे उस दिन यही था कि भाई उसके दूसरे दिन होना है हमारा, है ना, कि भाई डॉक्टर देख रहे हैं मेरा सारा चीज़ें ठीक था, धड़कन वड़कन सब ठीक थी। सडनली मेरे बॉडी में ना चेंजेस आने लग गए और मुझे पता रोज नहीं चला। रोज नहीं, मतलब वो तो लास्ट वन मंथ तो हाथ जोड़ जोड़ के, पिछले 10 दिन तो आपको लगा कि यार आप इतना क्यों खींच रहे हो, कई सवाल भी आए, आप जानबूझ के इतना खींच रहे हो, खींच नहीं रहे थे, ये पर्सन खींच रहा था, इसका उचित समय चाहिए था इसको आने के। एक्चुअली क्या है कि मतलब आप ये समझो कि इसकी डेट नहीं हुई थी, सही पूछो तो इसकी डेट नहीं हुई थी, लेकिन इस भाई साहब ने आतंक मचा दिया था। इसने ये बोला कि भाई मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, मैं आज ही आने वाला हूँ। वो कहते हैं ना इंसान का जन्म और मरण वो उस ऊपर वाले के। हाँ, मैंने एक दिन ये स्टेटस डाला था, स्टोरी डाली थी, इसीलिए लिख के डाली थी कि वाकई रोज सुबह हमारे साथ ये हो रहा था कि आज सरिता का वो सर्जरी कहते हैं ना उसके, ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन होगा और आज साहब बाहर आएंगे, लेकिन नहीं। फिर शाम को पता चलता डॉक्टर साहब बोलते नहीं एक दिन और निकल जाएगा, एक दिन और निकल जाएगा। ऐसे करके हम पहले तो 3 दिन हॉस्पिटल रह के आए, 3 दिन, हाँ 4-5 दिन रह के, 5 दिन हॉस्पिटल रह के आए। डॉक्टर ने बोला आप जाओ, आप 7-8 दिन और निकल जाएंगे, आप निकालो। घर पे आए आतंक मचा दिया, बोले नहीं। जिस दिन घर पे आई उसे बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, रात को 4-4 बजे उठ के, क्योंकि बेबी का जो मूवमेंट था वो बिल्कुल ना के बराबर था और वैसे भी डर लगता है। और ये ना आपको मैंने वैसे बता ही दिया कि 9 मंथ के स्टार्टिंग में ही हो गई थी। तो जिस दिन इसका बॉर्न होने वाला था ना, उस दिन मुझे पहले लेबर पेन का इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टर को पता चल रहा है कि मुझे लेबर पेन हो रहा है, बट जब मुझे पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर की प्रॉब्लम तो थी मुझे। और लास्ट एंड ऐसा सिचुएशन आ गया 170-180 या 190 चला गया ऊपर वाला और नीचे 110 से ऊपर चला गया और मेरी बॉडी एकदम सुन्न हो गई। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस एकदम ये हूँ। और इन्होंने मुझे पूछा था नोका कुछ काम था तो ये नोका आ जाए, मतलब हाँ आ जाओ, ऐसे थी ना कोई। हाँ, मैं वहाँ बैठा रहा इतने दिन, जिस दिन डॉक्टर्स ने बोला कि भाई आज नहीं होगा कल होगा, तो मैंने बोला यार मैं नोका चला जाता हूँ। ये आ रहे थे वापस, ये 3 घंटे में वापस आ रहे थे, इनका कुछ काम था अर्जेंटली, तो मतलब आप करके आ जाओ, मेरी जेठानी जी हैं, ननंद है, इट्स ओके, मैं कर लूँगी मैनेज। अचानक से, अब देखो जो चीज़ होनी होती है ना वो होनी होती है, अचानक से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं इनको फ़ोन तक नहीं कर पा रही हूँ, मेरे फ़ोन करने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई। और अंदर मेरे को लेके गए तो मैंने दिमाग में मेरा यही चल रहा था कि मेरे हस्बैंड नहीं आए मैं नहीं जाऊँगा, मैं हस्बैंड, फिर मेरे घर वाले सारे गुस्सा, जेठ जी और ऑब्वियसली उनका गुस्सा जायज़ है। और डॉक्टर्स ने बोला था कि लड़की झेल नहीं पाएगी, नुकसान हो जाएगा, और इसके दिमाग में सिर्फ मैं घूम रहा था कि मैं आज ही क्यों। मेरे लाइफ में पहला ऑपरेशन था मेरा, होता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कल को रहूं ना रहूं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर लास्ट में जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की ना, सारा ब्लैंक, सारा ब्लैंक, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैंने बोला ना, अब मैंने 9 महीने बहुत पापड़ बेली है, मैं मेरी लापरवाही या मेरी गलती के कारण मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर मैंने मेरे भगवान का नाम लिया और मैं चली गई अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया दुनिया में, उसके बाद इसके पापा आए थे। तो होता है ना सारी चीज़ें लिखी होती है, जो चीज़ें किस्मत में लिखी होती है ना हमारे साथ वही होने नहीं, होती मैं है। ऊपर बाद में आया था। अच्छा, आप नीचे आ गए थे? मैं नीचे आ गया था, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी ऊपर आने की भी, ये धक 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 धक, जैसे सुना था ना कि आप ऑपरेशन थिएटर में ओटी में हो और काम चालू है प्रोसेस पे, तब मैं थोड़ा नीचे रुक गया। मैं मतलब ऐसे ही सोच रहा था, मन मेरे को चिंतन करने लगा मैं कि हे प्रभु सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शानदार हो, ऐसी न्यूज हो कि दिल गदगद हो जाए। और फिर हमें डॉक्टर्स ने ऊपर बुलाया, मैं ऊपर कुछ बातें कर रहा था, डॉक्टर ने ऊपर बुलाया, बोला कि भैया सर्जरी कर रहे हैं। मैंने बोला आप कर लीजिए कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ साइन वगैरह का भी बोला, तो वो बड़े भैया पहले ही कर चुके थे, बड़े भैया बोले वो सारी फॉर्मेलिटी, हाँ वो तो हमारे घर पे हमारे जेजी करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड वैसे भी सारा उनका ही रहता है, जेजी करते हैं। तो फिर ये सारा सिचुएशन हुआ हमारा, सारी चीज़ें मतलब एक साथ में होती गई होती गई होती गई होती गई, कुछ समझ में भी नहीं आया था। और आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस हैं कि दीदी क्या हुआ है, कोई बोल रहा है गर्ल हुआ है, कोई बोल रहा है बॉय हुआ है। ये मेरी मस्ती थी एक्चुअली, मैंने परिवार में कंफ्यूज कर दिया। मैंने खूब बदमाशी की, मैंने मेरे चाचा जी है 73 ईयर्स के, और मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला फोन तो करना जरूरी है परिवार में, भाई सुहा लगता है कि भाई आप चीज़ों पूजा नहीं करो, पाठ नहीं करो, या भगवान अशुद्ध ना हो जाए, अपने अशुभ हाथ ना लगे। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, मैंने बोला प्रणाम गुरु, प्रणाम करके मैंने उनको बोला, मैंने बोला
अच्छा बधाई देना, बोले क्या हुआ है पोता हुआ है क्या? उन्होंने बोला पोता है, बोल दिया हाँ बधाई दे देना। उन्होंने सबको फोन कर दिया, इन्होंने किसी को तो पोता बोल दिया और किसी को पोती बोल दी, सबसे मस्तियाँ कर दी मैंने। किसी को बोल दिया पोती हुई है, किसी को बोल दिया पोता हुआ है, किसी को बोल दिया भतीजी हुई है, किसी को बोला, तो बोले भतीजी जिसको बोला वापस फोन कर रहे हैं, एक दूसरे को बोले यार ये क्या है कन्फ्यूज, ऐसा क्या कर रहा है, मुझे यार थोड़ी मस्ती सुन की थोड़ी थोड़ी तो यार होली का टाइम है तो वैसे भी थोड़ी बहुत मस्ती होती है, ऐसे कैसे भी थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए, तो बस यही सारा था। और ये जो उसके बदले है ना मैंने डांट बहुत खाई है गई थी, मेरा तो रोल ही नहीं था डांट बहुत इसको सच कहूं, ये जो हमें मिला है ना ये पूरे 10 साल बाद की ये खुशी है हमारे लाइफ की। 10 साल बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े हेमंत के बाद पूरे 10 साल बाद ये मुझे मिला है। और प्रसाद है भगवान का, इसमें क्या है, इसलिए मिला है, मिला है बोल रही है। अच्छा सुने मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, रिवील की बात है ये, तो हम ऑथेंटिक रिवील कर रहे हैं कि भाई हमें क्या जो न्यूज है वो ऑथेंटिक न्यूज है कि भाई वास्तव में क्या हुआ है। बाकी हम लगभग रिवील कर चुके हैं, हमने किसी ने भी अगर कोई लड़की का बोला है तो हमने किसी का ऐसे ठुकराया नहीं है, या किसी ने लड़के का बोला है तो हमने उसको ठुकराया नहीं है, लेकिन उसके कमेंट्स को लाइक नहीं किया। जिसने लड़की का बोला है उसके कमेंट्स को आप चेक करोगे तो मिलेगा सबको लाइक किया हमने, तो अब हटाओ इसको। तो हम आपको बता दें कि हमारी हमारे घर पे आई है शक्ति, हमारे घर पे आई है काई करे यार, अब काई करे, अब तो मत कर, अब देख 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 एकदम शांति हूँ, सॉरी देख इन देख इन देख इन देख देख हमारे घर में आई है। वो कहते हैं ना डिलीवरी में रोना नहीं चाहिए, बट मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन ये मेरे खुशी के आंसू है। आपको पता है संपन्न, जब मुझे ऑपरेशन में ये बताया गया ना सबसे पहले कि डिलीवरी में रोना नहीं चाहिए बट मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन ये मेरे खुशी के आंसू है। आपको पता है ये संपन्न, जब मुझे ऑपरेशन में ये बताया गया ना सबसे पहले कि बेहोशी की हालत में मेरे को बेहोशी की हालत में बताया गया, जो हमारी नीलम मैम है डॉक्टर वो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मुझे जैसी सब पूरी दुनिया को पता था कि मुझे बेटी चाहिए थी। यहाँ पे ना आवाज़ चली गई, बट मैं आपको मेरी ये बात ज़रूर बताऊँगी कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में मैम ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी हुई है, उसी दौरान मेरे आंखों से इतने आंसू निकले, मैंने उनको इतना दिल से थैंक यू बोला, फिर मैंने बोला कि यार मतलब 9 महीने की जितनी मेरी तकलीफ़ है, जितना भी दर्द मैंने सहा है, सारा दर्द एक तरफ है, बस जो खुशी मुझे चाहिए थी ना वो खुशी मुझे मिल गई। अंदर आत्मा से मुझे कोई भी बोलता ना तेरा बेटा होगा तो मैं मानती ही नहीं थी, मैं मानती ही नहीं थी कि मेरे को बेटा। मैं आपको इसकी भी एक कहानी बताता हूँ, इसने आप है ना वो देखोगे ना जो एक प्रोग्राम था बेबी शावर का, उसमें आप देखो ना तो इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी बच्चे ही थी, और ये लगातार पिछले जब से इसको पता चला था कि मेरे गर्भ में भगवान का प्रसाद पल रहा है, उस दिन से ये सिर्फ लड़कियों से ही बातें कर रही थी, छोटी छोटी बच्चियों को ढूंढती और उनसे बातें करती, और ही कृषा की मम्मा इसको फोन करती है, कृषा की मम्मा कांसा से तो बात करती नहीं और बात करती कृषा से, मेरे घर पे 3-3, 4-4 पोतियां हैं, सब है, सबसे सब बच्चे भतीजी से सबसे इनसे ही बात करती, किसी से बात नहीं करती। और मेरे ना अंदर से ये गर्ज था कि मेरी बेटी ही है, मुझे कोई बोल देता ना मैं मानती ही नहीं है मेरी बेटी है, और मैंने पूरे 9 महीने उसको पेट में फील ना बेटी करके ही लिया था। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस शानदार रहा। जैसे सरिता जी के गर्भ में रही तब तक, किस आपको सबसे बढ़िया बातें बताता हूँ मैं आपको, एक भी चीज़ इसने फास्ट फूड उचित अनुचित ये मान लो ना के बराबर 0.02% 5% की बात अलग है, ना के बराबर खाया, क्रेविंग के नाम पर हमेशा इसने घर का खाना खाया, सादा खाना खाया जो ये कभी नहीं खाती थी, मेडिसिन के नाम पे आप बोलोगे इसने कैल्शियम जिंक जो जरूरी होते हैं, आयरन कैल्शियम, इसने टेबलेट ली ही नहीं, वो इसलिए नहीं ली, ये मेरी गलती, इसने नहीं ली, मैं सरिता का नहीं बोल रहा हूँ, इसने ली नहीं, वो इसने ली ही नहीं, मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, इतनी वॉमिटिंग, मैं आपका नहीं बोला आपने नहीं ली, आप तो मुंह में डाल के गटकते लेकिन उसी टाइम उसको वॉमिट हो जाती, इसने कुछ ही नहीं ली, इसने अपने रास्ते खुद बनाए। मैंने प्रॉपर 9 महीने बहुत पूजा पाठ की है, पूजा पाठ मैंने दिखाई नहीं है, मैंने एक भी दिन एक भी चीज मिस नहीं की है, जो नियम से करना होता है मैंने वो नियम और ये समय पिछला समय वो था प्रेशर वाला बहुत था, मैंने 9 महीने बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इन माई पर्सनल लाइफ और इन माई प्रोफेशनल लाइफ दोनों, बहुत पर्सनल लाइफ में भी मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, हाँ बहुत दुनिया के रंग देखे हैं, बहुत बहुत लोगों के रंग देखे हैं, बहुत लोगों के
बहुत चीजें देखी है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, सबको देखा है मैंने, देखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मैंने उस पीरियड को जिया है, क्योंकि मेरे पेट में ये थी, तो मैंने हर मोमेंट को जिया है। मुझे किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। और जैसे ही हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, मैंने मैम को पता था कि मुझे बेटी चाहिए थी, एकदम अंतरात्मा से मेरा ये थी, पूरी हॉस्पिटल को पता था कि मुझे बेटी चाहिए थी। मैं किसी को भी होता ना यही पूछती कि FHR कितना आ रहा है ये बताओ मुझे। अरे ये सब ढूंढ, एक एक प्रोफाइल ये चेक करती थी, फाइल में एक एक चीज चेक करती थी। अच्छा ये ऐसा, वो SHR क्या बोलते हैं, वो जब चेक करने आते थे, हमारे मेरे मित्र हैं, इनके बड़े भाई जैसे देव जी, वो जब चेक करने आते थे रोज धड़कन, और तो रोज इसी बात से पूछते, वो पूछते थे आप अभी इतना क्यों पूछ रहे हो, बढ़िया है बढ़िया है, बोले बढ़िया नहीं टोटल बताओ कितनी है, तो बोलते 158 है, 155 है, बोले आप क्यों पूछते हो, बोले जिनका 140 से ऊपर होता है ना उनको बेटी होती है। तो ये लाइन है, तो ये सब चीजें रिसर्च की, खुद पे फील की, सब कुछ किया, मतलब मेरा मानना इतना है कि इच्छा शक्ति का खेल है। मैंने उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मेरे 10 साल की मन्नत है। मेरा ये सपना, हर माँ का ही सपना होता है कि उसका बेटा कैसा दिखता है, उसकी बेटी कैसी दिखती है। तो मेरे बेटे को तो आप लोगों ने सबने देखा है, तो मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी कुछ दिन हम उसकी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आप बुरा मत, आप समझदार हो, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत प्यार करते हो, पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, बट फिर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है जो हमारे घर से नहीं, घर से नहीं, मानना भी ऐसा मानना पड़ता है, उसके लिए नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसकी शक्ल तो हम दिखाएंगे नहीं आपको, बट हम आपको ऑफिशियली डिक्लेयर ज्यादा, हाँ लेकिन ज्यादा वेट भी नहीं करवाएंगे। हाँ ये है कि आप मान के चलो शक्ति आई है, हम आपको ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर करते हैं कि हाँ जी 10 साल बाद हमारे घर में हमारी प्रिंसेस आ गई। बिल्कुल सही था, जेठूदेव की बेटी हुई है, बेटी आ गई, बस जिसका मुझे इंतजार और था। किसी ने बोला कैप्टन ऑफ RCB लिखा है तो लड़का है भाई साहब, आपको पता है स्मृति मरधाना भी कैप्टन ऑफ RCB है, उन्होंने इस बार IPL भी जीता है, ये सारा इसके पापा का है, इसके ये आई नहीं है, उसके पहले यही है, मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं इसको वो बनाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं था यार, वो सिंपल सोचा। अब आप लोग बोलोगे दिखने में कैसी है, तो मैं आपको बता दूं दिखने में मेरी जैसी है, मेरे जैसी है, इनके घर वाले बोलते हैं इनके जैसी है, और मैं बोलती हूँ मेरे जैसी है, तुरंत हमारा यही झगड़ा चलता है। हेमंत बोलता है नहीं नहीं, और इसकी जो बड़ी माँ है दोनों, और दोनों भुआएं हैं, वो बोलती हैं कि ये हेमंत के जैसी है, उन्होंने हेमंत के नजदीक से देखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हेमंत के जैसे आप निश्चिंत रहो। तो बस आप लोगों को ये चीजें बतानी थी, कुछ हमारी दिल की बातें शेयर करनी थी। नेचर तो मेरे जैसे ही है यार, बिल्कुल नेचर, तो क्या बताए, टाइम आने पर सारी चीजें पता चलेगी। वैसे ये थोड़े शांत है, मैं थोड़ी सी चुलबुली हूँ, और तो आप लोगों के हम मतलब सारी चीजें बता दी है, कुछ और रह गया है तो मैं अगर स्किप कर रही हूँ, थोड़ा बहुत किसी एक दो नेगेटिव लोगों के लिए कह दूं, नहीं कहूं लोग का कचरा हो जाएगा, नहीं नेगेटिव लोगों को थैंक यू, दिल से थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने विश्वास दिया, उन सबका दिल से दिल से दिल से ये देखिए झुक के सुककर आप लोगों को सलाम है, है ना, ये प्यार यूं बना रहे, प्लीज खूब सारा आशीर्वाद देना, ये प्यार यूं बना रहे, हमें कोई गलती लग जाए तो हमारे लिए थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए प्यार आप लोगों का खूब सारा बना रहे, बहुत सारा बना रहे। अरे नहीं है गर्दन, टेंशन मतलब मैं माँ हूँ उसकी, गर्दन गर्दन, मेरी राजकुमारी को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत भर भर के दुआएं देना मेरी राजकुमारी को, ठीक है। और अब आप जो आगे के व्लॉग्स आने वाले हैं उसमें आप लोगों को दिखेगा इसके पापा ने इसका वेलकम कैसे किया, है ना, मैं वेलकम तो इसका हो गया है पहले ही, बट हम ये चाहते थे कि हम घर पे बैठ के ये चीज़ रिवील करें, उसके बाद आपको ये चीजें बताएं कि इसके पापा ने इसके आने की खुशी में कैसे तैयारियां की। वो जो मैं रोज रात को आता था ना, रुको एक बार मुझे बोलने दो, ये जो डेकोरेशन का हो रहा जो व्लॉग आएगा या फिर जो हमारी वेलकम का व्लॉग आएगा, वो पूरा का पूरा क्रेडिट इसके पापा को जाता है, और फूफा जी वो तो हमारे घर के बॉस है, मतलब जो क्रेडिट जाता है ना, जैसे हम दोनों में से अगर जाता है, तो मेरा कोई भी रोल नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, सारी चीज़ें मेरे लिए भी सरप्राइज थी, तो मैं भी मैंने देख लिया है, अब आप लोग भी देखो, है ना। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भर भर के दुआओं में ब्लेसिंग देना है पूरी तरह फैमिली को, है ना, पूरी तरह फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग देना है, और हमारी प्रिंसेस को खूब सारा आशीर्वाद देना, मेरी प्रिंसेस की तरफ से जो भी सारे के सारे बड़े हैं मेरे प्रिंसेस के, तो खूब सारा आशीर्वाद देना आप लोग, है ना। सो ये ब्लॉग करते हैं हम यहीं एंड,
अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कॉल में बता देना, मैं फिर कभी जब भी मिलेगा टाइम में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे लगा कि ये चीज़ पर्सनली बैठ के आप लोगों के साथ एक एक चीज़ें रिवील करके, एक एक चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जो मेरे साथ हुआ था पिछले कुछ दिनों से, तो वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसीलिए ये बता दिया। अब आप लोग भर भर के प्यार दो, भर भर के। सो ओके गाइज, बाय बाय बाय, थैंक यू। राधे 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 राधे।